खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर हुआ, आपको बता दें देश में लगातार इन्फ्लुएंजा के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली बार 2 मौत की खबर सामने आई है। केंद्र से सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते केस पर नीति आयोग की भी बैठक है और ऐसे में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए अभी मौजूदा स्थिति ऐसी है, 90 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और भी मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वायरस को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसी को लेकर देखिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि लक्षण जो है उनको लेकर बार बार बातचीत की जा रही है। और इसी के अलावा ये कहा जा रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों और बुजुर्गों से भले ही ये कहा गया है कि आप अलर्ट रहिए, लेकिन इसी के साथ सरकार भी ये कह रही है कि तैयारी पूरी है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ अभिषेक राज जो है वो इस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने जा रही है, क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है, किन कदमों को लेकर चर्चा ज्यादा हो सकती है? देखिए, कोरोना हमने झेला है और कोरोना के बाद जिस तरीके से यह वायरस पूरे लोगों को परेशान कर रहा है, 2 डेथ भी इसमें कंफर्म्ड हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल भी बैठक की थी, लगातार जो मैराथन दौर है बैठकों का वो जारी है, कई सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, हॉस्पिटल को गाइडलाइन भी जारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो जागरूकता। नीति आयोग की आज बैठक भी है मंत्रियों के साथ और आज इस पूरे मंत्रालय की बैठक में एक बात पे चर्चा होगी, वो राज्यों को लेकर होगी कि आखिर किन राज्यों को कितनी सपोर्ट देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के जिंद में जो मामला आया डेथ का, तो हरियाणा में कितनी तेजी से ये फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है कि अलर्ट रहने की जरूरत है, परेशान होने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।